up, it's your boy Arko. Welcome back to another video. So as you came here, it's a room tour video. तो आज का जो vlog होने वाला है ये basically proper vlog तो नहीं होगा, ये एक proper room tour का video होगा. तो आज के video में मैं आपको दिखाऊंगा मेरा PC का जो setup है वो दिखाऊंगा, फिर मेरा laptop का जो section है, मेरा camera रखने का जगह, फिर मैं आपको छोटा मोटा मेरा sneaker का जो like डिब्बा है जिधर मैं सारा sneakers रखता हूँ, जो like जो box है, सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ इस video में. तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो. ये कुछ ज्यादा लॉन्ग नहीं होगा, बट आई विल ट्राई टू कवर ऑल द इंपॉर्टेंट स्टफ्स एंड एंजॉय द सिनेमैटिक्स राइट नाउ. अभी आप जो देख रहे हो मेरे पीछे, ये मेरा बेसिकली लैपटॉप रखने का जगह है. तो अभी बेसिकली इधर कुछ बुक्स हैं, ये बुक मैं अभी पढ़ रहा हूँ, कॉल मी बाय योर नेम. तो ये वाला बुक मैं अभी रीड कर रहा हूँ. एंड बाय द वे मेरा आज ब्लड टेस्ट हुआ है, तो उसके लिए थोड़ा सा दर्द है हाथ में, बट कोई बात नहीं, हम वीडियो तो करेंगे. एंड ये मेरा एक बुक है जो कि जब मैं बहुत छोटा था, आई वॉज इन KPS, आई बॉट दिस बुक फ्रॉम बुक फेयर विच हैपेंड इन अवर स्कूल. तो ये टॉम गेट्स का एक कॉमिक्स है, बहुत लाइक पीपी सा एक कॉमिक है. आप चेक कर सकते हो इसको भी, कुछ पढ़ने का तो नहीं है इसमें, बट जो भी है बहुत क्रीपी वियर्ड सा है, बट पसंद आता है मेरे को पढ़ने में. फिर इसके बाद इधर मेरा एक आयरन मैन का एक सूट आर्मर का एक बुक है जिसमें सिर्फ पिक्चर्स है. मैं ऐसे वियर्ड वियर्ड बुक खरीदता रहता हूँ तो मेरे को पसंद आता है, क्योंकि मैं ज्यादा यू नो आई एम नॉट अ बुकिश काइंड ऑफ अ गाय, आई डोंट रीड मच बुक्स. व्हेन आई रीड बुक्स आई लव टू रीड कॉमिक्स और एनी फेमस नॉवेल और समथिंग लाइक दैट. तो जो भी ये इधर मेरा लेंस है, आप देख सकते हो ये वाला लेंस है जो कि मैं काफ़ी कम यूज़ करता हूँ. ये जूम लेंस है एंड ये कोई लेंस नहीं है, कॉफ़ी मग है जो मैंने अमेजोन से खरीदा था बहुत साल पहले. अभी इसको मैं यूज़ नहीं करता, कभी कभी इसमें मैं अपना क्रेयॉन्स पेंसिल ये सब रखता हूँ. एंड ये मेरा दादाजी का फ़ोन है, फिलहाल दादाजी अभी फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मतलब मेरे को बोला कि अगर कॉल आए तो तुम पिकअप करना और मेरे को दे देना फोन, मैं बात कर लूँगा. That's why the phone stays with me. तो इसमें मैं कुछ स्टोरेज के काम से भी इसको यूज करता हूँ, ज्यादा यूज भी नहीं करता कभी कभी. या दादाजी का फोन है, OnePlus 6T. बढ़िया, चलो. ये है मेरा मम्मी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज जो कि इधर से हटा नहीं सकता मैं. ये जब लोड शेडिंग हो जाता है तो बैल्कनी में बहुत अंधेरा हो जाता है, तब इसको मम्मी काम में लेता है, लाइक टेरेस पे जाने के लिए इसको ऑन करते हैं. इसका लाइट काफी अच्छा है, ये भी ऑनलाइन से हमने मंगवाया था इसको. अब देख सकते हो पूरा आउट ऑफ फोकस हो जाएगा सब कुछ. इसको मैं एक मेला से खरीदा था. इसको फोकस क्यों नहीं हो रहा यार, क्या दिक्कत है यार, फोकस. 5 minutes later. ऐसा ही होता है मेरे साथ जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ. तो आई बॉट दिस फ्रॉम अ मेला इन मध्यम ग्राउंड. तो एक बुक फेयर टाइप का एक मेला था, उधर में गया था अपने कुछ दोस्तों के साथ. तो आई बॉट दिस, ये अभी टूट चुका है एज यू गाइस कैन सी, तो फिर भी अच्छा दिखता है. तो मैंने इसको रख दिया है अपने डेस्क के ऊपर, फिर से टूट गया. ये रहा मेरा छोटा सा iPhone SE. तो ये रहा iPhone SE, ये बहुत पुराना फोन है, बहुत ज्यादा पुराना. इसको भी मैं लाइक जस्ट फॉर फन यूज करता हूँ, लाइक कभी किसी फाइल को जो मेरे को फोन में नहीं रखना है उसको मैं इसमें स्टोर कर देता हूँ, तो ये उसका काम आ जाता है, एकदम नया जैसा है अभी भी. एंड इधर मेरा दोनों एप्पल वॉच है, ये वाला है और ये वाला, दोनों एप्पल वॉच है आप देख सकते हो. तो दैट्स दिस सेक्शन. इधर लैपटॉप रहता है, अभी लैपटॉप नहीं है क्योंकि लैपटॉप उधर चार्ज हो रहा है. मैं ही नहीं दिख रहा गाइस, मैं ऐसे कैमरे को सेट किया कि ताकि मैं ही ना दिख पाऊ. ओके, सो ये पीछे जो आप देख रहे हो ये मेरा PC सेटअप है जो कि इस रूम का सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट है. ये बहुत सालों से मेरा मन था कि एक ऐसा PC बने जिसमें डुअल स्क्रीन भी हो, अच्छा सा RGB लाइटिंग भी हो, जिसमें सारा गेम्स प्रॉपरली चल पाए, विद अ गुड ग्राफिक्स कार्ड, विद अ गुड प्रोसेसर, सब कुछ है गाइस, सब कुछ इसमें, सब कुछ मिल जाएगा आपको. मैंने ऐसे ही इसको सेटअप किया है. बेसिकली ये है मेरा मैकबुक जो आप देख सकते हो, जिसको मैंने चार्ज के लिए लगाया था इधर, अभी इधर ही है, जिसमें सारा सॉन्ग्स, ज़ेन का खुद का रिटेन
डायरी पेजेस सब कुछ द होल स्टोरी इज रिटन ओवर हियर हाउ ही लेफ्ट वन डायरेक्शन हाउ ही गॉट इनटू हिज सोलो करियर सो एवरीथिंग अबाउट ज़ैन मालिक इज इनसाइड दिस बुक तो काफी फेवरेट बुक है इसको मैं काफी ज्यादा पढ़ता हूँ जब भी मैं लाइक बोर फील करता हूँ या फिर मेरे को लो सा फीलिंग होता है तो आई ग्रैब दिस बुक एंड रीड फ्यू ऑफ द पेजेस आप इसको भी अमेजोन से मंगवा सकते हो अभी शायद आपको मिल जाएगा बट ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा अमेजोन पे तो अगर आप एक ज़ैन मालिक का फैन हो आपको लेना है ये बुक तो जल्दी से अमेजोन से इसको परचेस कर लो ऑलराइट सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स तो ये रहा मेरा गेमिंग का चेयर तो चेयर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ मैं इसके ऊपर बैठा था गाइस मैं टूट जाता कभी मम्मी नहीं रहता फिर से तो ये रहा मेरा गेमिंग का चेयर ये मैंने काफी रिसेंट इसको मंगवाया इसको काफी दिनों से इसका भी शौक था कि इसको लेना है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव था 20,000 का था ये वाला गेमिंग चेयर आप इसको चेक कर सकते हो इसका नाम है ग्रीन सोल विजन तो ये वाला मैं अभी यूज करता हूँ मेरे गेमिंग के लिए इसको भी मैंने अमेजोन से मंगवाया था तो इसको करते हैं साइड क्योंकि जगह बहुत कम है घर में आई मीन रूम में सो ये रहा मेरा पीसी फ्रॉम रेड ड्रैगन आई बॉट दिस तो ये आप देख सकते हो इसको चेकआउट कर सकते हो माउस जो है मेरा ये रेजर का माउस इसका नाम है रेजर डेथ एडर जिसका प्राइस 1400 ऐसा कुछ था एंड ये वाला जो मॉनिटर है आप देख सकते हो ये गीगाबाइट का मॉनिटर है 144 हर्ट्ज इसको मैंने बहुत रिसेंट खरीदा है क्योंकि मेरा ये वाला जो मॉनिटर है गाइस मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ एंड जी सो ये वाला जो मॉनिटर है इसमें कुछ इश्यूज आ गया था बट ये अंडर वारंटी था सो मैंने वारंटी क्लेम कर लिया और इसको ठीक भी कर लिया ठीक है बाय दैट टाइम आई कुडंट प्ले द गेम्स दैट्स व्हाई आई बॉट दिस मॉनिटर ये मॉनिटर 27 इंचेस का है और ये वाला जो है 24 इंचेस का है सैमसंग में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं आपको बोलूंगा अगर आप सैमसंग का मॉनिटर लेने की सोच रहे हो तो मत लो यार सैमसंग का मॉनिटर उतना अच्छा नहीं है मेरे एक्सपीरियंस में तो मेरे को धोखा मिल गया बट वैसे कंपनी अच्छा है बट मैं रिकमेंड नहीं करता बहुत लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि ये वाला टी शर्ट मैं कहाँ से खरीदा ये मैं जिम में काफी पहनता हूँ सो दिस इज फ्रॉम रेयर रैबिट एंड ये वाला कैप जो आप देख सकते हो दिस फ्रॉम H&M तो आपको सब कुछ मिल जाएगा ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ स्टोर्स में सो यू कैन चेक आउट दैट मैंने इंस्टाग्राम पे जो स्टोरी मेंशन किया था उसमें मैंने एक पोल किया था जिसमें आप लोगों ने बोला कि शॉपिंग के ऊपर वीडियो करो सो शॉपिंग के ऊपर वीडियो बहुत जल्दी आ रहा है गाइस स्टे ट्यून फॉर दैट एंड हेडफोन का डिब्बा ये वाला है रेजर का ब्लैक शार्क V2 ग्रेट हेडफोन मस्ट बाय अगर आपको एक अच्छा हेडफोन चाहिए गेमिंग के लिए तो शुड गो फॉर इट सो आप देख सकते हो ये है मेरा छोटा सा प्ले बटन तो आई मेड दिस फोन व्हेन आई वाज इन क्लास 7-8 सो तब से लेकर आज तक शौक है कि इसको रिप्लेस करके इधर आई नीड टू पुट द रियल वन ये रहा मेरा बेड जिसमें मैं रात को सोता हूँ अपने मम्मी के साथ अभी भी सो गाइस ये रहा मेरा वार्डरोब आप एक फटाक से चेक कर लो इसको क्या है क्या नहीं है तो इसमें जो मेरा लाइक सामान है जो अभी मैं पहनता हूँ वो मैं इस सेक्शन पर रखता हूँ बेल्ट के साथ नीचे भी दो बेल्ट है एंड मेरा एक कैप है एंड ऊपर जितना भी रहता है चीज़ें लाइक माय ब्लेजर्स वगैरह रहता है इधर घर पे पहनने के लिए एंड जिम पे पहनने के लिए जो भी सामान है वो रहता है एंड ऊपर जो रहता है वो है विंटर का सामान Last but not the least, this is my guitar which I use sometimes when I'm sitting alone, want to sing some songs, make some music. This is my partner, so big shout out to my guitar. This is my sneaker collection, so iske upar bhi video bahut jaldi aane wala hai. Until then, take care, stay tuned for all these videos coming up, stay sexy and bye. Thanks for watching my video. Peace out guys.